दोस्तों आज मैं आया हूँ फेयरडील सेक्टर 10 नोएडा के शोरूम में और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वैगनार के ZXi मॉडल की, जो कि कार अपने सामने खड़ी हुई है। कंप्लीट बात करेंगे क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कार का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 1.2 लीटर के इंजन के साथ ये कार आपको मिल जाती है। तो फीचर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले से बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रंट व्यू आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें आपको हेलोजन बेस जो हेडलैम्प्स है वो दिए गए हैं। यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, फॉग लाइट आपको नहीं मिलती। ग्रिल आप चेक कर सकते हैं, क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाली है। सुजुकी का लोगो है और नीचे वाला पोर्शन आपको कुछ इस तरीके के फिनिश के साथ दिया गया है। बारी आती है अब साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट जो साइड व्यू है वो आप इस कार का चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले आप इसके जो व्हील्स हैं वो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं विद सिल्वर कलर की व्हील कवर्स के साथ। 165/70 R14 का आपको टायर सेक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। ऊपर की तरफ आपको जो इंडिकेटर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाएगी और आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो बॉडी कलर के ही आपको दिए गए हैं और इन मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर जो है वो आपको ब्लैकआउट मिल जाएगा और सी पिलर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बॉडी कलर के ही आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे ऑफर किए गए हैं कुछ इस तरीके से। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। बात करते हैं हम इस कार के रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो रियर व्यू है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर आपको हाई माउंटेड जो स्टॉप लैंप है उसकी प्लेसमेंट मिल जाएगी। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते। सुजुकी का लोगो है इस तरीके से यहाँ पे आपको देखें तो क्रोम प्लेटेड आपको वैगनार की प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। रियर लैंप्स आपको काफी बड़े साइज के साथ दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, हैलोजन बेस्ड रहने वाले हैं। और लोअर पोर्शन आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है, जिसमें आपको दो पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर है वो ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे इसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। बारी आती है अब इसके बूट की दोस्तों, तो यहाँ पे जो बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्लिप अरेंजमेंट जो है वो मिल जाता है। इसकी हेल्प से बूट आप एक्सेस कर सकते हैं। रियर में आपको यहाँ पे बूट में पार्शल ट्रे जो है वो ऑफर करी गई है। और बूट स्पेस भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 341 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको वैगनार ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इसका स्टेपनी टायर जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो आपको 14 इंच का ही मिल जाता है, सेम रहने वाला है अपने बाकी स्टील रिम्स के जितना ही। तो दोस्तों अब आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में और यहाँ से आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको कंप्लीट जो ZXi मॉडल का इंटीरियर है वो देखने को मिल रहा है। फीचर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो राउंड शेप के साथ जो अपने स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मिल जाता है। सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ आप देखेंगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और नीचे की तरफ आपको जो कॉलिंग कंट्रोल्स है वो ऑफर किए गए हैं। और इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे इसके हेडलाइट और यहाँ पे वाइपर के जो टॉगल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, सेम जिस तरीके के स्विफ्ट के बेस मॉडल के अंदर आपको मिलता है सेम वही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको स्पीडोमीटर है, नीचे MID स्क्रीन दी गई है और यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कितने किलोमीटर कारन हो चुकी है, एक ट्रिप ए है ट्रिप बी है, उस तरीके से आप किलोमीटर एवरेज रेंज और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कितना फ्यूल है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे क्लॉक आपको मिल जाती है। इसी तरीके से काफी सारी वार्निंग्स वगैरह भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको स्मार्ट प्ले डॉक वाला म्यूजिक सिस्टम जो कि एक मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें आपको USB और AUX की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। इसके अलावा AM/FM USB AUX और ब्लूटूथ को जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है, मैनुअल AC विद हीटर कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है वो मिल जाता है। ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन विद पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ में। इसके अलावा दोस्तों पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है और पीछे का पोर्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है अपना टिकट होल्डर के साथ। इन साइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाएगा डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ। ऊपर कैबिन लैंप दिया गया है जो कि हैलोजन बेस्ड रहने वाला है। को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको यहाँ पे चेक करें तो आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि फिक्स टाइप का रहने वाला है। ग्लोव बॉक्स आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो वैगनार ऑफर कर देती है। इसके अलावा एक एयरबैग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एयरबैग यहाँ पे मिल जाएगा, दो एयरबैग, ABS/EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, जिस तरीके की जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसी के साथ ड्राइवर साइड जो अपना डोर है वो भी आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पे आपको जो इनसाइड डोर हैंडल है वो मिल जाता है इसका सिल्वर इंसर्ट के साथ में। ये कंप्लीट पोर्शन प्लास्टिक फिनिश के साथ रहने वाला है। बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है, स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे चारों पावर विंडो कंट्रोल बटन दिए गए, जिसमें ड्राइवर साइड विंडो है, ऑटो के फीचर के साथ है। यहाँ पे ऑटो की जो मार्किंग है वो आ रही है, मतलब क्या है, लॉन्ग प्रेस करके छोड़ दिया है मैंने, यहाँ पे आप देखें तो विंडो डाउन हो चुकी है। अगेन लॉन्ग प्रेस करूंगा
तो विंडो आपका फीचर नहीं है, ओनली विंडो डाउन का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ से आप इसके जो मिरर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो मिरर है वो आपको मिल जाते हैं, फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। यहाँ से हेडलाइट वगैरह जो है वो आप लेवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसकी बोनट को ओपन कर सकते हो, तीनों पैडल दिया गया है। और यहाँ से इसका जो फ्यूल लीड है उसको आप ओपन कर सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्लीट जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है, जिसमें आपको जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं फिक्स टाइप के। और इस सीट को जो है यहाँ से आप रिक्लाइनिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे। दो कीज मिल जाती है और दोनों ही आपको यहाँ पे रिमोट कीज जो है वो ऑफर करी गई है, जिसमें आपको एक लॉक का बटन है और दूसरा आपको जो अनलॉक का बटन है वो मिल जाता है। चेक कर लीजिए, दोनों ही अपनी सेम रहने वाली है। इसी के साथ आ जाते हैं सेकंड रो में। तो यहाँ पे आप जो इसका सेकंड रो है वो चेक कर लीजिए। सेकंड रो में जो डोर पैनल है उसमें आपको इनसाइड डोर हैंडल मिल जाएगा, प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। यहाँ पावर विंडो कंट्रोल बटन, बोतल होल्डर है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी दिया गया है। इसके अलावा सीट के बाद स्पेस आप चेक कर लीजिए, तो काफी अच्छा जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे वैगनआर जो है ऑफर कर देती है। काफी खुला खुला जो महसूस होता है इस कार के अंदर बैठने के बाद, क्योंकि काफी ज्यादा हाइट है इस कार की, तो उसी वजह से आपको जो है कंप्लीट जो एम्बियंस है वो काफी खुला खुला नजर आने वाला है। यहाँ पे आप इसको हैंडल मिल जाता है इस तरीके से, यहाँ पर भी दिया गया है। कैबिन लैंप आपको सिर्फ आगे की तरफ है, सेंटर में कोई कैबिन लैंप नहीं मिलता। और रियर से जो फ्रंट का लुक है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरह ही रियर में भी यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं इसके फिक्स टाइप के। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज जो है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि जो सीट है आपको रियर वाली 60:40 के डाउन फीचर के साथ है, यानी कि आप इसको जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चाहे तो आप 40:00 में डाउन कर लीजिए, चाहे आप 60:00 में डाउन कर लीजिए, या तो कंप्लीट डाउन भी कर सकते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं तो 1.2 लीटर का आपको यहाँ पर K12 वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 66 किलोवाट की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपनी इस कार के साथ 23.56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है और आपको 6 कलर को चूज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। रही बात प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 6,28,000 रुपीज का, ऑन रोड कॉस्ट ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज तक ये कार जाती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।